हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियर सनाउल्ला। दोस्तों, ये 30x20 ट्रिप्लेक्स हाउस है। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको पार्किंग, किचन, लिविंग हॉल, वन बेडरूम, बाथरूम और टॉयलेट सेपरेट है। ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ पे 1 फीट सेटबैक प्रोवाइड किया है। टोटल 600 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट फ्लोर प्लान है। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे बालकनी, स्मॉल लिविंग एरिया, बेडरूम, 2 बेडरूम है, एक जनरल टॉयलेट है। ओपन कट स्लैब है। यहाँ पे स्काई रूफ प्रोवाइड किया है स्काईलाइट के लिए। सेकेंड फ्लोर पे ओपन टेरेस है। 1 बेडरूम है विथ अटैच टॉयलेट। यूटिलिटी हमने टेरेस फ्लोर पे प्रोवाइड किया है। अभी बोरवेल ड्रिलिंग कर रहे हैं। बोरवेल का आपको 70-75 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ड्रिल करते हैं। केसिंग का अलग चार्ज होता है। अभी साइट मेजरमेंट हो रहा है। 30x20 है। 600 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी। सेंट्रल लाइन मार्किंग हो रहा है। अभी जैसे ही सेंट्रल लाइन मार्किंग हो जाने के बाद आपको एंगल चेक करना है 90 डिग्री। यहाँ पे आप 3-4-5 मेथड भी यूज़ करना है। जैसे ही आप 3-4-5 मेथड यूज़ करेंगे, आपको एक्सकवेशन पिट मार्किंग करना है। यहाँ पे पिट का साइज़ हमने 4 फीट बाय 4 फीट लिया था। विड्थ और लेंथ में डीप जो है 6 फीट लिया था अप टू हार्ड स्ट्राटा। अभी पिट मार्किंग होने के बाद यहाँ पे एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन। आप यहाँ पे JCB से यूज़ कर सकते हैं या एक्सकवेटर यूज़ कर सकते हैं और मैनुअली मैन पावर से भी एक्सकवेशन करवा सकते हैं। बट आपको एक्सकेवेटर से और JCB से जो है कॉस्ट सेव कर सकते हैं। मैन्युअली और मैन पावर यूज़ करेंगे तो आपको 10-12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो है एक्सकेवेशन के लिए चार्ज करेंगे। बट JCB आपको 800-850 पर आवर के हिसाब से यहाँ पे JCB मिल जाएगा। ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए यहाँ पे एक्सकेवेशन हो रहा है। यहाँ पे 9 कॉलम्स है 30x20 के साइट में। टोटल 4 बेडरूम्स, हॉल, किचन, यूटिलिटी, जनरल टॉयलेट, अटैच टॉयलेट। ये देखिए पिट। आप JCB से एक्सकवेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैन्युअली फिर से पिट को एड्रेसिंग करवाना पड़ेगा, वरना रेनफोर्स का मैट जो है सही से नहीं बैठ सकता है नीचे। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए। देखिए बोरवेल है इसलिए स्मूथली जो है हैंडल करना पड़ता है इस सिचुएशन में। बैंक्समैन जो है साइट पे अवेलेबल रहना है इस टाइम। अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है 10,000 लीटर का कैपेसिटी है। देखिए फिर से कॉलम पोजीशन मार्किंग के लिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अभी PCC जो है यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। PCC का जो है रेशियो आपको 1:4:8 यूज़ करना है। 1 सीमेंट, 4 सैंड और 8 एग्रीगेट और जेल्ली। 40 mm का यहाँ पे
एग्रीगेट यूज़ करते हैं। अच्छे से कंपैक्शन करना है पीसीसी को। पीसीसी होने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम मार्किंग करेंगे। एक्यूरेट साइट मेजरमेंट करना है बिफोर प्लेसिंग ऑफ कॉलम। सिक्स इंचेस या वन फीट भी अगर कुछ भी मिस्टेक से दूसरों के साइड में चला गया तो आगे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये देखिए अभी कॉलम पोजीशन जो है मार्किंग कर रहे हैं बाय यूजिंग प्लंब ऑफ। जैसे ही प्लंब ऑफ का मार्किंग करने के बाद आपको कॉलम का सेंटर लेना है, फिर एज पर द डायमेंशन ऑफ कॉलम 9 इंचेस, 12 इंचेस, 15 इंचेस, 18 इंचेस जो भी रहेगा उसके हिसाब से वहाँ पे कॉलम मार्किंग करना है। ये देखिए अभी एज पर द डिज़ाइन कॉलम का डायमेंशन वहाँ पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे 9 इंचेस बाय 12 इंचेस का है, 9 इंचेस और 15 इंचेस का है, और 9 इंचेस बाय 9 इंचेस के कॉलम हमने यहाँ पे यूज़ किया है। 8, 10, 12 और 16 mm रॉड्स यूज हुए हैं इस प्रोजेक्ट में। ये देखिए 9 इंचेस बाय 12 इंचेस का कॉलम है, इसके ऊपर आप कॉलम प्लेस कर सकते हैं ड्राई होने के बाद। पिट का साइज 4 फीट बाय 4 फीट है। देखिए मैट को यहाँ पे हमने 10 mm रॉड्स यूज किया है, 6 इंचेस बाय 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर। 12 mm का रॉड्स, 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का कॉलम है ये। ये 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर हमने स्टिरअप्स यूज किया है, 8 mm का रॉड्स यूज किया है स्टिरअप्स के लिए। जैसे ही हमने कॉलम प्लेस किया था 2-4 हेवी रेन के वजह से पूरा पिट जो है वाटर से फिल हो गया था, इसलिए डीवाटरिंग प्रोसेस चालू है यहाँ पे। ये देखिए कॉलम गिरा हुआ है ड्यू टू हेवी रेन एंड विंड। ब्लॉक कॉटन साइल है, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था इस दिन हमको। अभी नेक्स्ट डे फिर से कॉलम प्लेस करके फुटिंग का कॉन्क्रीट फिल करेंगे। फुटिंग जो है यहाँ पे 1:1.5:3, 1 सीमेंट, 1.5 सैंड और 3 एग्रीगेट M20 ग्रेड के हिसाब से मिक्स करेंगे। फुटिंग का हाइट हमने 21 इंचेस लिया था यहाँ पे। एज पर द डिज़ाइन आप आइसोलेटेड फुटिंग, स्टेप फुटिंग और प्लेन फुटिंग यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्लेन फुटिंग यूज़ किया है 21 इंचेस हाइट
4 फीट बाय 4 फीट यहाँ पे। ये कंक्रीट जो है यहाँ पे डाल रहे हैं। आपको कवर ब्लैक यूज करना है अप टू 50 mm फॉर द फुटिंग। पीसीसी के ऊपर इसके ऊपर आपको मैट प्लेस करना है। नाइन कॉलम्स यूज हुए हैं इस बिल्डिंग पे। M20 ग्रेड जो है कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल के जो नीचे होता है उसको नेक कॉलम कहते हैं। जैसे ही फुटिंग हो गया तो उसके ऊपर अभी हम बिफोर प्लिंथ बीम के नीचे जो है अप टू द लेवल जो है ग्राउंड लेवल से हम क्या ले रहे हैं उसके हिसाब से जो है यहाँ पे कॉलम को प्लेस करना है। ये देखिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक है 10,000 लीटर कैपेसिटी का। सिंगल ब्रिक वॉल है। इसके अंदर जो है फिर से रिइंफोर्समेंट होगा 8 mm और 10 mm का। 8 mm जो है डिस्ट्रीब्यूटर होगा और मेन बार जो है 10 mm का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इनसाइड देखिए जैसे ही कॉलम प्लेस करने के बाद अप टू द प्लिंथ लेवल फिर से बैकफिलिंग करेंगे। आप मोरम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉस्ट सेविंग करना है तो आपको जो एक्सकेवेशन पिट के लिए यूज़ किया था वो भी आप बैकफिल कर सकते हैं। ये देखिए रिइंफोर्समेंट 8 mm और 10 mm का वाटर टैंक के लिए। ये टैंक जो है वाटर स्टोरेज के लिए बना रहे हैं, ये सेप्टिक टैंक नहीं है। यहाँ पे मैनहोल है इसलिए यहाँ पे सेप्टिक टैंक नहीं है। प्लिंथ बीम का जो है पोजीशन मार्किंग हो रहा है अभी। पीसीसी के ऊपर मार्क करेंगे 1:4:8, 1 सीमेंट, 4 सैंड, 8 एग्रीगेट 40 mm का। इसको आप पीसीसी के लिए ग्रेडलेस सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। आपको 43 ग्रेड या 53 ग्रेड यूज़ करना नेसेसिटी नहीं है यहाँ पे। प्लिंथ बीम का शटरिंग हो रहा है। 18 इंचेस का हमने यहाँ पे प्लिंथ बीम यूज़ किया है। 12 mm रॉड्स हमने यूज़ किया है प्लिंथ बीम में। टॉप 3 और बॉटम 3 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर 8 mm स्टीरअप्स यूज़ किया है। कंक्रीट के लिए बीम कॉलम RCC आप 43 ग्रेड यूज़ कर सकते हैं सीमेंट M20 ग्रेड के हिसाब से। नाइन इंचेस थिकनेस 18 इंचेस हाइट यहाँ पे प्लिंथ बीम सेट किया है एज पर द डिज़ाइन। यहाँ पे शटरिंग रिमूव किया है, आप देख सकते हैं बीम 9 इंचेस और 18 इंचेस का।
ये टाई बीम नहीं है, प्लिंथ बीम है। टाई बीम जो होता है आप फुटिंग के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन अप टू 3 फीट हाइट लिया था हमने रोड लेवल से और ग्राउंड लेवल से। जैसे ही ये ब्रिक वर्क हो जाने के बाद आप इनसाइड जो है बैकफिलिंग करना है। ये भी आप चाहे तो मैन्युअली यूज़ करें या फिर मशीन यूज़ करें, मशीन से आपको कॉस्ट सेव कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही बैकफिलिंग होने के बाद आपको यहाँ पे वाटर जो है फिल करना है और अप टू द फाउंडेशन लेवल पूरा जो है सॉइल ऐड करना है और 3 to 5 days जो है ड्राई होने के लिए छोड़ देना है इसको। जैसे ही वो हो जाएगा बिफोर प्लेसिंग ऑफ PCC इन फ्लोरिंग एंटी टर्मेट यूज़ करना है आपको। ये प्लेसिंग ऑफ कॉलम अप टू द 7 feet लिंटली लेवल तक आपको कॉलम प्लेस करना है। मेन वॉल जो है हमने यहाँ पे 9 inches का यूज़ किया है। इनसाइड जो पार्टीशन वॉल है 4.5 inch सिंगल ब्रिक वॉल यूज़ किया है। ब्रिक वर्क अप टू द 7 feet ले रहे हैं। इसके बाद आपको लिंटल आएगा, शेल्फ, छज्जा जो भी है वो लिंटल में प्रोवाइड करना है। स्टेयरकेस मार्किंग हो रहा है। ये सेंट्रल स्पाइन, सेंट्रल बीम, फ्लोटिंग स्टेयरकेस है। सॉइल सेंटरिंग यूज कर रहे हैं हम। ग्राउंड फ्लोर पे सेंट्रल स्पाइन स्टेयरकेस है, फर्स्ट फ्लोर पे चेन स्टेयरकेस है। ये डुप्लेक्स हाउस है इसलिए इनसाइड हॉल जो हम तो स्टेयरकेस सेट कर रहे हैं। सेंटरिंग हो गया है, अभी रिइंफोर्समेंट प्लेस करना है, कंक्रीट ऐड करना है। सेंटरिंग बहुत एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि ये आपको रिमूव करने के बाद स्टेयर्स का जो है फिनिशिंग आपको परफेक्ट आना है और एक्यूरेट आना है। ये सेंट्रल बीम यहाँ पे आएगा। 9 inches और 12 inches का हमने बीम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे सेंट्रल बीम आएगा 12 inches हाइट, 9 inches विड्थ। क्लियर मेजरमेंट है इसका। यहाँ पे होल डिक करेंगे 1 feet by 1 feet क्योंकि बीम जो है इनसाइड जाएगा लोड लेने के लिए। होल करके वहाँ पे बीम जो है नीचे प्रोवाइड करेंगे। स्टेयरकेस का विड्थ जो है 33 inches है। राइजर 6 inches, ट्रेड जो है 10 inches है। एज पर द डिज़ाइन हमने यहाँ पे सेंटरिंग किया है, सॉइल सेंटरिंग। ये देखिए स्टेयरकेस रीइंफोर्समेंट डिटेल्स। बीम के लिए हमने
12 mm रॉड्स यूज किया है। स्टेप्स के लिए 12 mm और 10 mm रॉड्स यूज किए हैं। 8 mm जो है स्टिरप्स के लिए यूज किए हैं। टॉप 3 बॉटम 3 10 mm रॉड यूज किए हैं। यहाँ पे बीम देखिए 12 mm है, टॉप 3 बॉटम 3 है। आइल आपको प्लेस करना पड़ेगा शटरिंग के ऊपर, सॉइल सेंटरिंग यहाँ पे रिमूव करने के बाद, वरना शटरिंग नहीं गिरेगा। वर्क जो है अप टू 7 फीट कंप्लीट हो गया है। अभी इसके ऊपर शेल्फ और छज्जा लिंटल प्रोवाइड करेंगे। रूफ सेंटरिंग वर्क हो रहा है अभी। ये शीट सेंटरिंग है, 8 फीट बाय 4 फीट का शीट है ये। इसके ऊपर आपको आइल प्लेस करना है। जब डी शटरिंग करेंगे तो शीट आराम से निकल जाएगा। अभी यहाँ पे आरसीसी का जो है रेनफोर्समेंट वर्क चालू है। टेन एम एम ऐसे मेन बार यूज़ किया है यहाँ पे। 8 mm जो है डिस्ट्रीब्यूटर है। एज पर द डिज़ाइन आपको 2-way और 1-way रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे। बीम में बॉटम 12 mm यूज़ किया है। आप देख सकते हैं रिइंफोर्समेंट वर्क कंप्लीट हो गया है। अगर कोई कॉलम जो है विथ इन द 3 फीट है तो आप उसमें लैपिंग भी यहाँ पे कर लेना है। कंड्यूट वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क यहाँ पे प्रोग्रेस है। लाइट, फैन, कंड्यूट्स आपको यहाँ पे प्लेस करना है बिफोर द प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट। 20 mm मिनिमम आपको यहाँ पे क्लियर कवर प्रोवाइड करना है। बीम के नीचे भी आपको 25 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड करना है। 6 इंचेस और 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर हमने मेन बार और डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी ये पूरा ढलाई के लिए रेडी है। देखिए कॉन्क्रीट जो है अभी कैस्टिंग हो रहा है फर्स्ट फ्लोर आरसीसी स्लैब के लिए। 1:1.5:3 1 जो है सीमेंट, 1.5 आपको सैंड, हमने यहाँ पे रिवर सैंड यूज़ किया है। आप चाहिए तो एम सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। 3 जो है यहाँ पे एग्रीगेट 20 mm का यूज़ करना है। इरेगुलर शेप में नहीं रहना है, रेगुलर शेप में आपको यहाँ पे एग्रीगेट यूज़ करना है राउंड शेप में। आपको यहाँ पे प्रॉपरली वाइब्रेट करना है कॉन्क्रीट, वरना हनीकुम आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वर्कएबिलिटी मिक्स रेशियो पे आप बहुत ध्यान देना है व्हाइल कास्टिंग द कॉन्क्रीट। 5 इंचेस जो है
कॉन्क्रीट थिकनेस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे RCC पे। बीम है यहाँ पे 9 इंचेस विड्थ और 15 इंचेस का है हाइट में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन रहना है RCC के टाइम पे, सेंटरिंग वाले भी मौजूद रहना है साइड पे, क्योंकि सेंटरिंग या लूज हो सकता है या पाइप वगैरह ब्रेक हो सकता है, इसलिए इमीडिएट जो है रेडी करने के लिए वहाँ पे जो है वर्कर्स रहना है साइड पे। सिक्स हंड्रेड स्क्वायर फीट का एरिया है और उसमें हमने यहाँ पे ओपन कट स्लैब दिया है स्टेयरकेस कंटिन्यू करने के लिए। स्काईलाइट हमने सेकेंड फ्लोर पे प्रोवाइड किया है लाइट के लिए। ये देखिए कॉन्क्रीट है, M20 ग्रेड मिक्स है। कंक्रीट का लेवल एक्यूरेटली चेक करना है, अगर ये फाइनल फ्लोर होता तो हम यहीं पे इसका स्लोप सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल फ्लोर नहीं है, इसके ऊपर और एक फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर ब्रिक वर्क हो रहा है, मिनिमम आपको 21 डेज तक आपको जो है RCC का सेंटरिंग रिमूव नहीं करना है। फर्स्ट फ्लोर पे आप वर्क प्रोग्रेस कर सकते हैं आफ्टर 1 वीक। अभी सेकेंड फ्लोर का जो है कॉन्क्रीट हो रहा है, यहाँ पे भी हमने M20 ग्रेड जो है कॉन्क्रीट मिक्स किया है। कॉन्क्रीट का रेशियो 1:1.5:3 सेकेंड फ्लोर का कॉन्क्रीट है, 5 इंचेस यहाँ पे भी हमने थिकनेस कॉन्क्रीट का यूज़ किया है। रिवर्स एंड यूज़ कर रहे हैं, 20 mm एग्रीगेट, राउंड एग्रीगेट। आप चाहे तो M-Sand भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्क्रीट के लिए। ये जो है सेंट्रल बीम, फ्लोटिंग स्टेयरकेस, ग्राउंड फ्लोर, ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे चेन स्टेयरकेस है। टू फीट 9 इंचेस इसका स्टेयरकेस का विड्थ है। ये देखिए फाइनल टेरेस फ्लोर पे डिजाइनिंग हो रहा है कंक्रीट का। यहाँ पे देखिए स्काईलाइट प्रोवाइड किया है फाइनल टेरेस फ्लोर पे। फाइनल टेरेस पे आपको वाटरप्रूफिंग करना है, क्योंकि स्लैब में जो है RCC स्लैब में लीकेज प्रॉब्लम फाइनल फ्लोर पे बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं एलिवेशन प्लास्टरिंग प्रोग्रेस है। यहाँ पे जो है वुड का स्कैफोल्डिंग सेट किया है। ये वेस्ट साइड है, 1 फीट सेटबैक प्रोवाइड किया है यहाँ पे। ईस्ट साइड 1 फीट और नॉर्थ साइड आल्सो 1 फीट सेटबैक प्रोवाइड किया है। देखिए पार्किंग पे डिजाइनिंग वर्क जो है प्रोग्रेस है।
इनसाइड जो है प्लास्टरिंग यूज़ कर रहे हैं, 12 mm थिकनेस इसका रहेगा प्लास्टरिंग का। मोर्टार यूज़ करेंगे रिवर सैंड, आरपी सैंड एंड सीमेंट। लेवल जो है एक्यूरेटली चेक करना है प्लास्टरिंग का। बाथरूम, यूटिलिटी, किचन पे आप ऐसे लाइन सेट करना है क्योंकि टाइल्स के लिए ग्रिप रहेगा। यहाँ पे अभी सरफेस प्रिपेयर कर रहे हैं टाइल्स के लिए। 2x4 का हाई ग्लॉसी टाइल्स यूज किए हैं फ्लोरिंग पे। टाइल्स में आप GVT, PGVT, डबल चार्ज ये सब देख के परचेस करना है। देखिए 2x4 का ग्लॉसी टाइल्स है फ्लोरिंग पे। बेडरूम है, यहाँ पे वार्डरोब जो है ग्रेनाइट से प्रिपेयर कर रहे हैं। आउटसाइड जो है इसके आप कभी भी जो है वुड का फ्रेम, प्लाईवुड का बना सकते हैं। एल्यूमिनियम विंडोज जो है फर्स्ट फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे हन्ने वुड का विंडो यूज़ किया है। मेन डोर जो है इसका टीक है। ये वार्डरोब है फर्स्ट फ्लोर का, बेडरूम का ग्रेनाइट से सेट किया है। स्टेप्स जो है राइजर पे विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ किया है। ट्रेड पे है, ट्रेड पे यहाँ पे ग्रेनाइट यूज़ किए हैं। टेन इंचेस और 6 इंचेस का जो है रेजर और ट्रेड है। ये देखिए बालकनी पे 16 इंचेस बाय 16 इंचेस का टाइल्स जो है सेट कर रहे हैं। लेवल जो है टाइल्स का बहुत एक्यूरेट होना है। स्पिरिट लेवल यूज कर सकते हैं टाइल्स के लिए। बेडरूम में यहाँ पे फाइनल फिटिंग हो रहा है टाइल्स का, 2x4 है। ये वन बॉक्स में आपको 16 स्क्वायर फीट रहेगा, 2 पीस रहेंगे एक बॉक्स में। इसका रेट आपको 700 to 800 पर बॉक्स है, डिपेंड अपॉन द लोकेलिटी और आप कौन सा क्वालिटी, कमर्शियल, प्रीमियम, स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। ये जनरल टॉयलेट है फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ पे 12 इंचेस बाय 18 इंचेस का हमने वॉल पे टाइल्स यूज़ किया है प्रीमियम। वार्डरोब है ग्रेनाइट का। आपको पहले डिज़ाइन सेलेक्ट करके उसके बाद कटिंग करके प्लेस करना है ग्रेनाइट। ये देखिए अभी सेकेंड फ्लोर पे प्लास्टरिंग हो रहा है, इंटरनल प्लास्टरिंग। टाइल्स के ऊपर लेवल के लिए यहाँ पे एलिवेशन का प्लास्टरिंग हो रहा है, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग है। यहाँ पे आप स्पंज फिनिश यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा रफनेस होता है ये। सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे एल्यूमिनियम विंडोज है। ग्राउंड फ्लोर पे वुड विंडो है भरने का। एज पर द डिज़ाइन
3D डिज़ाइन हमने जो सेट किया था उसके डायरेक्शन के हिसाब से जो है एलिवेशन का वर्क हो रहा है। ये देखिए एलिवेशन वर्क, आउटसाइड जो है पूरा एक्सटर्नल प्लास्टरिंग कंप्लीट हो गया है। सेकेंड फ्लोर पे प्लास्टरिंग फाइनलाइज हो रहा है। जब तक आपका वॉल जो है प्लास्टरिंग कंप्लीट नहीं होगा, फ्लोरिंग पे जो है वाटरप्रूफिंग वगैरह नहीं करना है। सेंट्रल स्पाइन स्टेयरकेस इनसाइड जो है अभी प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। प्राइमर के बाद आप वॉल पुट्टी टू कोट्स लगाना है। इनसाइड जो है प्राइमर वन कोट रहेगा, टू कोट और थ्री कोट डिपेंड अपन को आपको कैसा फिनिश चाहिए उसके ऊपर आप वॉल पुट्टी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेप्स है पार्किंग के, देखिए एलिवेशन। इनसाइड जो है पूरा जो है प्राइमर और वॉल पुट्टी फिनिश हो गया है। पार्किंग पे अभी टाइल्स प्लेस कर रहे हैं। टेक्सचर टाइल्स है, ये देखिए किचन, किचन का ऑलरेडी जो है किचन प्लेटफॉर्म हो गया है। विट्रीफाइड 2x4 का टाइल्स लगा है फ्लोरिंग पे। 12x18 इंचेस का वॉल पे टाइल्स लगा है। ये बेडरूम 2x4 का विट्रीफाइड टाइल्स, यहाँ पे देखिए वॉल पुट्टी यूज़ कर रहे हैं अभी वॉल पे। ये वार्डरोब है बेडरूम का, बाथरूम और जनरल टॉयलेट, यहाँ पे बाथरूम है 2x4 का वॉल पे, यहाँ पे भी टाइल्स यूज़ किया है। ये देखिए फ्लोटिंग स्टेयरकेस है, रेजर पे टाइल्स यूज़ किए हैं और ट्रेड पे जो है ग्रेनाइट यूज़ हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे 2x4 का ग्लॉसी टाइल्स यूज़ किया है फ्लोरिंग पे। बालकनी, बेडरूम, यहाँ पे एक वार्डरोब है, टोटल 4 बेडरूम्स हैं घर पे। यहाँ पे एक बेडरूम, एल्यूमिनियम विंडो, वार्डरोब, जनरल टॉयलेट, यहाँ पे वॉश बेसिन आएगा। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है इस घर पे। मॉर्निंग टाइम में आप बिना लाइट के भी रह सकते हैं। सेकेंड फ्लोर के लिए स्टेयरकेस ग्रेनाइट यूज हुआ है ट्रेड पे। यहाँ पे चेंज स्टेयरकेस बना है, ये देखिए स्काईलाइट। यहाँ पे वाटरप्रूफिंग हो गया है। टेरेस फ्लोर है, यहाँ पे सीटिंग के लिए सीटिंग एरिया, ये यूटिलिटी है क्लॉथ वगैरह वॉश करने के लिए। अट्टा बना है इनसाइड, ये एक बेडरूम है विथ अटैच टॉयलेट है। यहाँ पे वार्डरोब, एल्यूमिनियम विंडो आएगा यहाँ पे। ये देखिए अटैच टॉयलेट है इंडियन। प्लम्बिंग का वर्क प्रोग्रेस है। आउटसाइड भी जो है वन कोट प्राइमर
हो गया है। ये देखिए एलिवेशन, ब्यूटीफुल एलिवेशन 30/20। ये ईस्ट फेस एलिवेशन है, ये नॉर्थ साइड है एलिवेशन, ये वेस्ट साइड का एलिवेशन है। ये फ्रंट साइड है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कलर कोड जानना है तो इसका। साउथ फेस रोड है, एमएस का गेट विथ लेजर कटिंग शीट के साथ, पार्किंग है ये विद इतना ब्यूटीफुल लाइट। पार्किंग के अंडर यहाँ पे एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, बोरवेल है। ईस्ट में यहाँ पे डोर सेट किया हुआ है, मीटर बोर्ड है, गैस लाइन कनेक्शन के लिए वहाँ पे एक वॉल प्रोवाइड किया है, एक दो टैप भी प्रोवाइड किया है इमरजेंसी पर्पस, कार वॉश या बाइक वॉश के लिए वहाँ पे आप पाइप सेट कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत टाइल्स लग रहा है यहाँ पे। आप जो विंडो देख रहे हैं वो हन्ने वुड है, यहाँ पे वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। मेन डोर जो है टीक वुड है, थिकनेस ऑफ द फ्रेम 6 inches और 4 inches है, डोर का थिकनेस जो है 2 inches है। ये देखिए हॉल, हॉल का डायमेंशन जो है 10 feet 3 inches है और 17 feet 6 inches लेंथ है। ये फ्लोटिंग स्टेयरकेस है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशंस, एसएस रेलिंग्स विथ एलईडी लाइट के साथ, मास्टर लेग है। यहाँ पे एल्यूमिनियम विंडो जो है 3-track का भी सेट करना है, पीओपी फॉल सीलिंग विथ एलईडी लाइट्स। जैसे ही आप मेन डोर से एंटर करेंगे हॉल पे एंट्री होंगे, आपको राइट साइड में किचन और लेफ्ट साइड में एक बाथरूम, टॉयलेट और मास्टर बेडरूम है। तीनों तरफ जो है यहाँ पे 1 feet सेटबैक प्रोवाइड किया है, काउंटर टॉप, वॉश बेसिन। ये देखिए टाइल्स, वॉल टाइल्स 12 इंचेस बाई 18 इंचेस है। इसका आपको कॉस्ट जो है अराउंड 250 rupees पड़ेगा पर बॉक्स। पर बॉक्स में आपको 9 square feet मिलेगा, सेरामिक बॉडी होता है। ये फ्लोरिंग, बाथरूम है 2x4 का, यहाँ पे वॉल टाइल्स सेट किया है हाई ग्लॉसी। बाथरूम का डायमेंशन जो है आपको 7 feet 10 inches लेंथ है और 3 feet 7 inches जो है इसका विड्थ है। टू बाई टू का वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है बाथरूम और टॉयलेट में। ये जनरल टॉयलेट है, इसका डायमेंशन जो है आपको 5 feet by 4 feet है। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर सेट हुआ है यहाँ पे, एलईडी लाइट वॉल पे। फ्लोरिंग पे यहाँ पे 2x4 हाई ग्लॉसी टाइल्स यूज किए हैं। किचन है, किचन का फ्रेम यहाँ पे ग्रेनाइट से 40mm बनाया हुआ है। किचन फ्लोरिंग जो है 2x4 का विट्रीफाइड टाइल्स है।
किचन में मॉड्यूलर और इटालियन अभी सेट नहीं हुआ है। किचन का डायमेंशन जो है 7 feet 8 inches जो है इसका विड्थ है और 9 feet 9 inches इसका लेंथ। रेफ्रिजरेटर के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन है, चिमनी के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन सेट करके रखा हुआ है। देखिए एलईडी लाइट, एग्जॉस्ट फैन, थ्री बाय थ्री का वन्ने वुड विंडो है, वॉल पे जो टाइल्स देख रहे हैं ये 12 by 18 inches है। फ्लोरिंग पे जो आप टाइल्स देख रहे हैं 750 to 900 पर बॉक्स होता है, 16 स्क्वायर फीट आता है पर बॉक्स में, आपको 2x4 के 2 टाइल्स रहते हैं पर बॉक्स में। ये एलईडी लाइट, मास्टर लेग पीस, एसएस रेलिंग्स, टीवी यूनिट, ऊपर जो है सीलिंग पे स्काई रूफ प्रोवाइड किया है स्काईलाइट के लिए, आप देख सकते हैं स्काईलाइट कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। यहाँ पे झूमर के लिए भी प्रोविजन करके रखा हुआ है। मास्टर बेडरूम, नीमुड फ्रेम, हार्डवुड रेडीमेड डोर, फ्लोरिंग पे 2x4 टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स हैं, 4 feet by 4 feet वन्ने वुड विंडो, ग्रेनाइट में यहाँ पे वार्डरोब बनाया हुआ है, भी प्लेवुड से इसको फ्रेम नहीं सेट किया है। बेडरूम का डायमेंशन जो है 7 feet 10 inches विड्थ और 9 feet इसका जो है लेंथ है। स्टेयरकेस, फ्लोटिंग स्टेयरकेस है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं राइजर, ये टाइल्स में है, विट्रीफाइड टाइल्स में, और आप जो ट्रेड देख रहे हैं वो ग्रेनाइट है, 20 mm थिकनेस, बॉश पैराडाइज, पे वॉल पे भी लाइट सेट किया है पूरा स्टेयरकेस के पास। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे एक हॉल, बालकनी, 2 bedrooms और जनरल टॉयलेट है। ये देखिए स्टेयरकेस का गैप, फ्लोटिंग स्टेयरकेस है, सेंट्रल बीम के ऊपर सेट किया है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए, नंबर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ये पाइप जो है झूमर के लिए है, ये हॉल है,
LED लाइटिंग के साथ। यहाँ पे 4x4 का विंडो है, एल्यूमिनियम विंडो। हॉल का डायमेंशन जो है 13 फीट 9 इंचेस है, विड्थ में और लेंथ में 9 फीट 9 इंचेस है फर्स्ट फ्लोर पे। नीमुड फ्रेम, रेडीमेड हार्डवुड डोर बालकनी के लिए। ये देखिए बालकनी है। अभी यहाँ पे टाइल्स जो है एसिड वॉश नहीं हुआ है बालकनी और टॉयलेट्स का। बालकनी का डायमेंशन जो है 7 फीट 3 इंचेस है विड्थ और 9 फीट 3 इंचेस इसका लेंथ है। हैंगिंग लाइट्स, वेंटिलेशन पर्पस यहाँ पे MS का पाइप प्रोवाइड किया है। कलर कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं आप। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी जो 2x4 का विट्रीफाइड टाइल्स लगा हुआ है। ये दूसरा बेडरूम है, नीमुड फ्रेम 5 इंचेस बाय 3 इंचेस, 1.5 इंचेस रेडीमेड हार्डवुड डोर। ये बेडरूम का डायमेंशन जो है 7 फीट 10 इंचेस है विड्थ और 8 फीट 6 इंचेस इसका लेंथ है। फोर फीट बाय थ्री फीट का यहाँ पे विंडो है। फ्लोरिंग 2x4 विट्रीफाइड टाइल्स। कोई 800 to 900 के आसपास में आपको पर बॉक्स का चार्ज पड़ेगा आपको प्राइस। ये देखिए कॉन्क्रीट शेल्फ है। यहाँ पे एक जनरल टॉयलेट है, वॉश बेसिन विथ पिलर। देखिए विंडो फॉर द वेंटिलेशन पर्पस। यहाँ पे एक हट्टा प्रोवाइड किया है मटेरियल स्टोरेज के लिए। अबाउट द जनरल टॉयलेट इन फर्स्ट फ्लोर, सैनिटरी फिटिंग्स जो है पूरा पॉलीमर का यूज़ किया है। इंडियन टॉयलेट है। टॉयलेट का डायमेंशन जो है 3 फीट 6 इंचेस विड्थ और 7 फीट 3 इंचेस इसका लेंथ है। ऑल पॉलीमर फिटिंग्स है। 12x18 इंचेस का वॉल पे टाइल्स यूज़ हुआ है। यहाँ पे दो बेडरूम है, एक बालकनी, हॉल, जनरल टॉयलेट। ये थर्ड बेडरूम है। फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा बेडरूम है। नीमुड फ्रेम है 5 इंचेस बाय 3 इंचेस थिकनेस। हार्डवुड डोर 2x4 का विट्रीफाइड टाइल्स लगा हुआ है इस बेडरूम में। एल्यूमिनियम विंडो है 4 फीट बाय 3 फीट का। बेडरूम का डायमेंशन जो है 9 फीट लेंथ और 6 फीट 9 इंचेस इसका विड्थ है। ग्रैनाइट शेल्फ है। SS railings, लो बजट कॉस्ट सेविंग के साथ इस घर को पूरा कंप्लीट किया है।
यहाँ पे ट्रेड और रेजर जो है ग्रेनाइट में है। चेंज स्टेयरकेस है ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आपको फ्लोटिंग स्टेयरकेस है और फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक आपको चेंज स्टेयरकेस है। SS 304 रेलिंग से यहाँ पे MS का डोर है। स्काईलाइट पे टफन ग्लास यूज हुआ है। जुमर के लिए पाइप प्रोविजन है। वॉल लाइट विथ स्कैटर्ड स्काई लाइट है, टफंड ग्लास है। टेरेस फ्लोर सेकेंड फ्लोर है, यहाँ पे ओपन टेरेस और वन बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट और यूटिलिटी है। देखिए टेरेस पे डैम प्रूफ, वेदर प्रूफ, वाटरप्रूफिंग सेट किया है। देखिए एलिवेशन ब्यूटीफुल एलईडी लाइट्स के साथ। आउटसाइड रोड जो है 25 फीट का है। एलिवेशन विथ एलईडी लाइट्स, यहाँ पे सीटिंग के लिए प्रोविजन सेट किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये यूटिलिटी है विथ पॉलीमर फिटिंग्स। ऊपर से यहाँ से इकट्ठा है स्टोरेज के लिए। फोर्थ बेडरूम है, बेडरूम का डायमेंशन जो है 7 feet 10 inches और 8 feet 6 inches है विड्थ। एल्यूमिनियम विंडो यहाँ पे 4 feet by 3 feet का है। ग्रेनाइट शेल्फ है, ऊपर कॉन्क्रीट शेल्फ है स्टोरेज के लिए। इस बेडरूम में आपको एक अटैच टॉयलेट मिलेगा। फ्लोरिंग पे 2x4 विट्रीफाइड टाइल्स यूज किया है। ये अटैच टॉयलेट है, यहाँ पे अभी डोर सेट करना है और एसिड वॉश भी नहीं हुआ है। अटैच टॉयलेट का डायमेंशन जो है 7 feet 10 inches इसका विड्थ है, 3 feet 6 inches इसका जो है विड्थ है। इंडियन टॉयलेट है विथ पॉलीमर फिटिंग्स। स्लैब 2 feet हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया था एज ए सनशेड और रेन शेड के पर्पस। ये देखिए फाइनल टेरेस है
आप यहाँ पे ग्लास दे सकते हैं। एलईडी लाइटिंग के साथ स्ट्रिप लाइट 1000 लीटर के दो सिंटेक्स है। कॉर्पोरेशन वाटर के लिए एक और बोरवेल वाटर के लिए एक। ये देखिए एलिवेशन, पीछे देख सकते हैं डिफरेंट ग्लास है, 12 mm थिकनेस। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching, friends.